आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। इससे पहले मैंने बताया था कि हम सेशन फाइव पढ़ेंगे यूनिट वन का, बट बट बेटा वो ओनली आपके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है, आप खुद से उसको कर सकते हो, सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। इस सेशन में हम आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आपका है कंप्यूटर क्लास नाइन्थ पार्ट बी। पार्ट बी में यूनिट सेकेंड है आपका, सेशन वन है आपका। सेशन वन का नेम है आपका गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रेडशीट। इस सेशन में बेटा हम स्प्रेडशीट सीखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होता है, उसके कितने जो भी कंटेंट हैं वो सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा मैं अभी ओपन ऑफिस राइटर में हूँ, ठीक। इसको कई तरीके से हम ओपन भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर, हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये ओपन हो गया। अब यहाँ फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम जाएंगे सीधे कहाँ पे, न्यू पे। न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ देखिए स्प्रेडशीट आ रहा है। टेस्ट डॉक्यूमेंट आपका राइटर है, स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्प्रेडशीट का विंडो आ गया। इसको हम कैल्क बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन टाइटल थ्री दिखा रहा, ओपन ऑफिस कैल्क। मैंने थ्री विंडोज ओपन किए हैं, एक भी विंडो का मैंने नेम सेट नहीं किया, इसलिए ये ऑन टाइटल दिखा रहा है। अगर हमें इसका नेम राइट करना है तो हम यहाँ फाइल में जाके न्यू करके इसका सेव करके नाम राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसके कंपोनेंट क्या हैं। देखिए ये बेटा आपका स्प्रेडशीट में क्या होता है कि ये आपको देख रहा हो कि ये आपके मेनूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, विंडो, हेल्प। ये क्विक मेनू है, स्टैंडर्ड टूल बार है, ओके। और ये आपका देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ये आप देख रहे हो ये सारे आपके जो नंबरिंग है नीचे 1 2 3 4 5 और ढेर सारा है। तो ये हमारा जो ए है ये हमारा क्या है, कॉलम है, ओके। और ये जो नंबरिंग है 1 2 6 है, 5 है, तो ये हमारा क्या है, रो है, ठीक। रो और कॉलम दोनों को मिला के बेटा हमारा सेल बनता है। देखिए अभी प्रेजेंट है, हम देखिए सी कॉलम में है और 7 रो में है, तो ये हमारा सेल एड्रेस होगा C7। देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस हमारा शो करता है, नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में हमारा सेल एड्रेस शो करता है। और ये बी सी जितना भी है ये हमारा लेटर है, तो लेटर जितना भी होगा वो हमारा कॉलम होगा वर्कशीट का। और जितने भी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, रो है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए हमारा सेल पॉइंटर, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री लाइन है, जो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं ये हमारा बाउंड्री लाइन है। हम जहाँ पे जाते हैं वो हमारा बाउंड्री लाइन है, जो हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा कौन सा सेल एक्टिव है। प्रेजेंट टाइम में हमारा C5 एक्टिव है। हम जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ बाउंड्री लाइन ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा है ये हमारा क्या है, बाउंड्री लाइन है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जितना ये ब्लैक कलर से हम जहाँ जहाँ क्लिक कर रहे हैं तो जो एक्टिव दिखा रहा है ये हमारा C2 एक्टिव है। देखिए सेल एड्रेस यहाँ दिखा रहा है नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में हमारा सेल एड्रेस दिखा रहा है कि हम प्रेजेंट टाइम C2 पे हैं, हमारा C2 सेल एक्टिव है। और देखिए जो सेल हमारा करेंट टाइम में एक्टिव होता है उसको हम करेंट सेल या फिर एक्टिव सेल भी कहते हैं। अब रेंज ऑफ सेल मतलब मान लीजिए सपोज मैं यहाँ से ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये हमारा रेंज ऑफ सेल हो गया। रेंज ऑफ सेल देखिए यहाँ दिखा रहा है कि मैंने A2 से लेके B7 तक का पूरा सेल ऑफ रेंज सेलेक्ट किया है। मतलब सेल ऑफ रेंज मतलब एक एरिया जहाँ से लेके दूसरा एरिया जहाँ तक हमने चीज़ों को सेलेक्ट किया वो हमारा सेल ऑफ रेंज है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। प्रेजेंट टाइम देखिए हमारा दिखा रहा है कि हम सीट 1 3 के 1 में हैं, ठीक। और हम यहाँ पे देखिए सीट 1 सीट 2 सीट 3 हमारे नीचे बेटा स्टेटस बार दिखाता है और ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में हमारा नेम अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। जैसे ही हम इसको सेव करें, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद जैसे ही मैंने इसे सेव एज किया, जैसे सेव एज देखिए अनटाइटल 3 दिखा रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ क्लास 9th प्रैक्टिकल सेव कर दी। अब ऊपर यहाँ जस्ट हमारा दिखाएगा क्लास 9th प्रैक्टिकल, ठीक, .ods मतलब कि ये कैल्क का है, तो इसका एक्सटेंशन नेम है .ods। ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट है ये हमारा सबसे ऊपर
स्टेटस बार नीचे हमारा दिखा रहा है मैंने कुछ भी राइट नहीं किया। अभी यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी राइट करूँ, सपोज यहाँ क्लास क्लास लिख दिया, क्लास हो गया, तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ राइट कर सकते हैं, तो हमें दिखाएगा ये यहाँ पे कि हाँ हमने यहाँ पे कुछ सीट 1 3 में है, सारा ये चीज़ें हमने राइट किया है। बेटा इसको ओ ट्रिपल ओ भी कहते हैं। ट्रिपल ओ का मतलब हो गया, एक ओ का मतलब ओपन, दूसरा मतलब हो गया ऑफिस, तीसरा का नाम नेम होता है ORG, ठीक। और इसको बेटा स्प्रेडशीट नहीं कहते, स्प्रेडशीट तो बस ऐसे बोला गया है, बट इसको हम कैल्क कहते हैं। और वर्कशीट जो होता है वो ग्रिड ऑफ सेल होता है। ग्रिड ऑफ सेल मतलब कि आप देख रहे हो कि ढेर सारे सेल बने हुए, ग्रिड ऑफ सेल जो कि रो एंड कॉलम को मेड अप करके बना होता है, और जिसे हम वर्कबुक, और जिसके अंदर ये हमारी सारी फाइलें होती हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होता है, वर्कशीट के अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार है, जहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा है ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ये स्क्रॉल व्हील है अप एंड डाउन करने के लिए, ये लेफ्ट एंड राइट करने के लिए है स्क्रॉल व्हील, ठीक। ये हमारा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे ये हमारा नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स भी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ करंट सेल भी बोलते हैं। और सेटिंग अभी मैंने आपको सिखाया कि हम फाइल में जाएंगे देन सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे या फिर जिसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+S वो भी करके हम इसको सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने फाइल को सेव किया है, इसलिए ये आपका फाइल का नेम क्या दिखा रहा है, जस्ट ऊपर दिखा रहा है क्लास 9 प्रैक्टिकल है आपका। अब नेक्स्ट है हमारा वर्किंग इन स्प्रेडशीट। अब हमें स्प्रेडशीट में अगर वर्क करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सपोज देखिए हमने यहाँ पे कुछ राइट किया था, बट मैं इसको इरेज कर रही हूँ। हम यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लिख दिए, देन हम यहाँ 4 लिख दिए, बेटा इसको हम ऑटो करेक्ट करते हैं। अब जब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे जाएंगे और यहाँ एक देख रहे हो ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट बन रहा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करके कैसे करेंगे ये सारा 2 का टेबल राइट कर देगा। या फिर हम यहाँ पे सपोज संडे लिख दिया, संडे देन हमने लिख दिया नेक्स्ट वाले में मंडे, ठीक। अब हम इन दोनों को जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, तो ये बेटा ऑटो करेक्ट में जाता है, कि इससे पता होता है कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये ब्लैक छोटा सा डॉट दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पे रखेंगे प्लस का सैम्बल बन जाएगा, देन हम इसको ये करेंगे, ये जितने भी डेज होंगे ये राइट कर देगा उसको, मतलब इससे पता होता है कि हाँ संडे मंडे राइट किया गया, मतलब कि मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सो ऑन जो भी राइट करना है ये कंटिन्यू उसको रिपीट करता जाएगा जितना सेल हम सेलेक्ट करके रखेंगे। तो देखिए कि आपको अगर ब्लैंक सेल इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखिए दे रहा है सेल, अब सेल हमें कहाँ चाहिए, सिर्फ सेल डाउन चाहिए या सिर्फ सेल राइट में चाहिए या फिर इंटायर रो चाहिए या इंटायर कॉलम चाहिए, तो हमें डाउन में चाहिए, चल लेफ्ट में, हम यहाँ से चूज कर सकते ओके करेंगे, हमने ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा जस्ट इसके बगल में ही ले लिया राइट साइड में। नेक्स्ट है हमारा जस्ट ऐसे ही हम रो भी इंसर्ट कराएंगे, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक। अब मुझे रो इंसर्ट कराना है तो फिर मैं इंसर्ट में जाऊंगी देन रो में जाऊंगी। रो में देखिए जस्ट यहाँ हमारा एक इंसर्ट हो गया रो। अब अगर डिलीट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जस्ट वहीं पे हम रहेंगे और इंसर्ट में जाने के बाद हमें ये डिलीट का भी ऑप्शन देता है, या राइट क्लिक करके हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीट मैंने कर दिया, ये हमारा डिलीट हो गया। ट्यूसडे के बाद मैंने वेडनेसडे को डिलीट मार दिया। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रीज करना, फ्रीज करने के फ्रीजिंग रो एंड कॉलम, तो उसके लिए हम सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, हमने सपोज इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद हम फिर कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे विंडो में, विंडो है हमारा, विंडो में जाने के बाद देखिए फ्रीज दे रहा है, फ्रीज करेंगे तो ये देखिए ऐसा हो, फ्रीज मतलब कि हमारा जो इस प्रेजेंट टाइम में जो हमारा ओपन है सीट
वो सीट को क्या करेगा, उसको फ्रीज कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा, जितने कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करना चाहें, फ्रीज करना चाहें, वो 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देगा, ताकि हमें चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी ईजी हो। अब सेम ऐसे ही अनफ्रीजिंग करना है, तो हम इसको, हमारा ये एरिया सेलेक्ट है, फिर हम विंडो में जाएंगे और इसको अनफ्रीज, फ्रीज है तो फ्रीज पे देखिए चेक बॉक्स है, मतलब कि हमारा फ्रीज है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, देखिए अनफ्रीज हो गया, जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही थी वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। अब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि बेटा जैसे सपोज ये आपके 2 कॉलम हैं, ये दो सॉरी 2 रो हैं, इनको हमें स्प्लिट करना है, तो हम जस्ट विंडो में जाएंगे और इसको स्प्लिट करें, देखिए फिर वो जहाँ से हम चूज करेंगे वहीं से उसको फिर डिवाइड कर देगा। जस्ट ये फेस का अपोजिट होता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, स्प्लिट को हम हटा देंगे, बस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम स्प्लिट कर सकते हैं या फिर फेस कर सकते हैं। अब यहाँ है हमारा कि हम स्क्रीन को वर्टिकली कैसे फ्रीज करेंगे, तो बस हमें वर्टिकली करना है, तो हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे और फ्रीज, यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा दिखा रहा है, ये हमें जहाँ तक फ्रीज करना है जस्ट यही है, यहाँ से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं, हमें वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली हम यहाँ से चूज करके कर सकते हैं। देखिए हमें कहाँ तक करना है फ्रीज, मतलब हम ऐसा एरिया, मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतना से इतना मुझे इसको डिवाइड करना है और इतने में मुझे वॉक करना है, इतना मुझे फ्री छोड़ना है, तो उस कंडीशन में यही हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अब इस कंडीशन में हम फाइल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज मतलब पता होता है कि हाँ ये कितना प्रॉपर्टीज़ में आ गए हम। अब हमें ये दिखा रहा है कि हमने क्लास 9 प्रैक्टिकल का लिया है, इसका टाइप क्या है, ये ओपन ओपन डॉक्यूमेंट है स्प्रेडशीट का, और इसका जो लोकेशन है वो सी ड्राइव में यूज़र में जाके सोनी और डॉक्यूमेंट में जाके सेव हुआ है, और इसकी जो साइज़ है 7522 बाइट की है। ठीक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टीज़ है, इंटरनेट है, देन सिक्योरिटी है, और देन स्टैटिक्स है, ये सारी चीज़ों को हम, ये प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल में बेटा बस इतना ही चीज़ें थी। ठीक, आई होप अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप इसको बाय सेल्फ करोगे तो और बेटा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू ऑल।